बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 लाख लड्डू की प्रसादी अयोध्या के लिए रवाना किए। 5 लाख लड्डू प्रसादी के लिए 5 ट्रक भेजे गए। अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे लड्डू प्रसाद बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से बनकर आए हैं लड्डू। 5 ट्रकों में लड्डू भरकर भेजे गए अयोध्या। सभी लड्डुओं में लिखा है श्री राम। राम भक्तों में भी दिखा उत्साह, ढोल पर नाचते नजर आए राम भक्त। प्रसादी प्रबंधन समिति ने कहा, 7 दिनों से बन रहे थे लड्डू, 1 महीने तक बनी रहेगी लड्डू की गुणवत्ता। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान हमारे मध्य प्रदेश के लिए है गौरव की बात, है कि हम प्रसाद के लिए लड्डू रवाना कर रहे हैं। को धन्यवाद दूंगा जिनके संकल्प शक्ति के बाद भगवान राम के उस निर्णय को आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो पहले भी किए थे, 3 तलाक का निर्णय हमारे सबके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि 3 तलाक के आधार पर फैसला दिया जाता है, लेकिन लागू करने वाली सत्ता के ऊपर चलाने वाले, नियंत्रण करने वाली सरकार में क्या हल हुए हमको मालूम है। उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया गया, लेकिन अब आपने बीच में वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र को भी गौरवान्वित कर रहे हैं और सच्चे अर्थों में उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति का भी सदुपयोग करके, लोकतंत्र में निर्णय होता है और निर्णय को लागू कराने का दम भी चाहिए, और हमको मालूम है 56 इंच वाले का दम कितना होता है, कैसा एहसास कराता है। और ये वो घटनाक्रम है जिस घटनाक्रम में हम सबको कई सारे संदेश भी छिपे दिखाई देते हैं, और संदेश किस प्रकार के हैं, वो संदेश आज भी हमको वही दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने में जिस समय निर्णय हुआ होगा, उस निर्णय के समय भी सामूहिकता का प्रकटीकरण हुआ। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, जिनको अलग अलग बार बार करके देखते थे, उनने सर्वानुमति से फैसला दिया, ये उस निर्णय से भी परिलक्षित हुआ। और बाद में भी पूरे देश ने परिलक्षण के आधार पर यह एहसास कराया कि राम मंदिर के मामले में क्या हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है। सबने कहा कि बहुसंख्यक के होंगे, लेकिन राम तो हमारे भी पूर्वज है, और पूरे देश में सर्वानुमति से वो आनंद का क्षण आया जिसमें जब भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ, पूरे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग अपने यहाँ थे, लेकिन कोई बाल बराबर भी कोई घटना नहीं हुई। ऐसे ये जो सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत वातावरण बना था, ये सारे हमारे क्लेश था, विभिन्नता के भेद खत्म हुए थे परमात्मा की दया से। वही समय वापस जब गर्भ का आया तो ये होना चाहिए था, लेकिन अभी भी ऐसे अवशेष बाकी है जो इस विभक्तिकरण में वोट के आधार पर अपने राह ढूंढ रहे हैं। परमात्मा उनको भी समझ देगा, इसलिए हम ये लड्डू बांट रहे, इनके सारे लड्डू बढ़ते बढ़ते वो मिठास कायम रहे, वो आनंद कायम रहे, वो आत्मीयता कायम रहे जो परमात्मा ने 17 लाख साल पहले लीला करी थी। मैं आज के इस अवसर पर वो मिठास को आपके सबके माध्यम से अयोध्या तक पहुंचाना चाहता हूँ, मध्यप्रदेश सरकार पहुंचाना चाहती है। वो अथक प्रयास के आधार पर जो फल मिलता है भगवान राम के इस गर्भगृह के माध्यम से, जो दिल्ली की सरकार ने माननीय मोदी जी के माध्यम से दुनिया में एक अलग उदाहरण पेश किया, वो मिठास में हम लड्डू बांट रहे हैं, इसमें हम सहभागी बने। मेरी अपनी ओर से, भोपाल की ओर से, सरकार की ओर से एक अच्छे कार्यक्रम की माननीय रघु जी भाई साहब को बधाई, क्योंकि मानस से अच्छा कौन सा स्थान हो सकता है। आज हम सब उस परमात्मा की उस नए दौर के नए व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी अपने आप को धन्य मानेगी जिनने इतने लंबे संघर्ष के बाद भी वो अद्वितीय क्षण के लिए हम अपनी आंखों से निहारेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है अयोध्या, इसमें भगवान राम के लौकिक जीवन के वो सारे संबंधों के आधार पर अपने इस अलग प्रकार की दुनिया है कि हम अपने किसी का जन्म मानते हैं, किसी का शरीर मानते हैं, फिर उसके रिश्ते नाते ढूंढते हैं, उसके अलग अलग प्रकार की चीजों को मानते हैं। तो ये पुस्तक का अच्छा प्रकाशन हुआ, मैं इनके प्रकाशक और लिखने वाले डॉक्टर रामगोपाल सोनी जी को बधाई देता हूँ, जिनने कहा कि भगवान राम की नातिन का विवाह उज्जैन में हुआ था, ये भी एक इतिहास बताया है, और अलग अलग प्रकार के रिश्ते नाते आपने बताया है कि उनका क्या क्या प्रसंग है, कैसे कैसे प्रसंग है। तो आपको भी बधाई देना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार की रिसर्च और जारी रहेगी जिसके माध्यम से ये सारी बात सबके बीच में आती रहे। एक बार फिर, और आपने भाई साहब ने कहा कि 2 साल का कहीं बचा हुआ है, तो भाई साहब आप तो राम जी की छुट्टी है, राम जी का खेत अपने हाथ में क्या है, आप ही का तो सब है, क्या दिक्कत है। तो निश्चित रूप से वो अनुदान वापस पहुंचेगा, और ये अपना मानस का आज का ये दिन वाकई एक अपने आप में इतिहास में एक अलग दृष्टि से जाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार आप सबको
बहुत बहुत बधाई और उम्मीद कर रहा हूँ कि जब अपने मध्य प्रदेश का क्रम आएगा, हमको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक साथ सबको नहीं आना, अलग अलग आना, ऐसे उनकी तारीख के हिसाब से, तो हम कोशिश कर रहे हैं। आज तो लड्डू भेज रहे हैं, लेकिन जब हमारा नंबर आएगा तो हमारे पास सम्राट विक्रमादित्य को जीवन करता जानता राजा जैसा एक बड़ा महानाट्य बना है, तो वो महानाट्य का मंचन करके विक्रमादित्य को जीवंत करते हुए अपन वहां जाएंगे, ऐसे कल्पना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जय श्री राम।